समझ में नहीं आई, इन्होंने कुरान और सुन्नत की खिदमत की है, इनकी सब खिदमतों से फायदा उठाओ, इन्हें बंदर बांट ना करो, इनके नाम के मुसल्ले ना बनाओ, इनके नाम के मजहब ना बनाओ, ये चारों हमारे हैं, चारों पांचों हमारे हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबका इकराम करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, सब हमारे हमारे अल्लाह के रसूल के इस भेजे गए दीन के खादिम हैं, हम इन सब की रहनुमाइयों में अपने चल चलते हैं। हमने ये नहीं कहा ये तेरा इमाम ये मेरा इमाम वो उसका इमाम वो उसका इमाम, नहीं, ये सब हमारे इमाम हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन रहमहुल्लाह, इमाम जाफर हो, इमाम इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम तिर्मिजी हो, इमाम अहमद मुकम्मल, ये सारे के सारे इस दीन के खादिम और इस दीन के इमाम हैं, ये सारे मुअज्जम हैं, मोहतरम हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और इनकी तालीमात से फ़ायदा उठाते हैं, जिनकी बातें कुरान और सुन्नत से मिलती हैं, करीब हैं, हम उनकी बातों को अपने सराहों पर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हम मसले को कुरान में ढूंढते हैं, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ढूंढते हैं, उसके बाद इसको कुरान को हदीस को समझते हैं, अपनी मनमानी नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि कुरान और हदीस को उसी तरह समझते हैं जिस तरह नबी ने अपने सहाबा को समझाया, सहाबा ने अपने शागिर्दों ताबईन को समझाया, ताबईन ने तबे ताबईन को समझाया, अइम्मा ने जिस तरह, मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने जिस तरह बतलाया, हम उस तरह से कुरान और हदीस को समझते हैं। ऐसे मौलवियों के ऊपर अल्लाह की फिटकार हो जो इल्जाम ये लगाते हैं कि ये लोग अपने मनमानी कुरान हदीस का माना और तर्जमा करते हैं। लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ऐ अल्लाह झूठों के ऊपर अपना अजाब नाजिल फरमा और उनके ऊपर लानत नाजिल फरमा। हम कुरान और हदीस को अपने मर्जी से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं समझते, ऐसे झूठों की जुबानें सड़ जाएं, बर्बाद हो जाए, जो हमारे ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर, हमारे मसलक और हमारे उलमा के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं और उम्मत को गुमराह करते हैं। अरे ये लोग अपने अपने मर्जी की हदीसें बयान करते हैं, अपने अपने मर्जी की आयतें बयान करते हैं। ए मौलवियो, अल्लाह से डरो, कहीं क़यामत के दिन न सही, अरे दुनिया में तुम्हारे मुंह में कीड़े न पड़ जाए, और पड़ चुके हैं। ऐसे मौलवी भी हमने देखे जो जिंदगी भर हमें गालियां देता रहा, मरने के वक्त जुबान सड़ गई, कीड़े पड़ गए उसके ऊपर, दुनिया में अल्लाह ने दिखा दिया। ऐसे मौलवी भी देखे अहादीस की तौहीन की, मुंह से खून की नालियां बह गईं और जाकर के घर पे मर गया, हशर हुआ।